हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। कंटिन्यू करते हैं द यूनियन जुडिशरी पार्ट थर्ड के साथ में। आर्टिकल 134 ही बात करता है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सर्टिफिकेट फॉर अपील के बारे में। एवरी हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट के पास ये राइट है कि वो सर्टिफिकेट फॉर अपील इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। आर्टिकल 133 के क्लॉज 1 में एंड आर्टिकल 134 के क्लॉज 1 के अंदर अपील की बात की गई है। आर्टिकल 134 में पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट फॉर अपील की बात की गई है। तो अगर अपने ओन मोशन के अंदर हाई कोर्ट ये सही समझता है कि सर्टिफिकेट फॉर अपील इशू किया जाना चाहिए, तो वो क्या है, इशू कर सकता है सर्टिफिकेट फॉर अपील। एंड शेल इफ एन ओरल एप्लीकेशन इज मेड बाय और इन बिहाफ ऑफ द पार्टी एग्रीव्ड इमीडिएटली आफ्टर द पासिंग और मेकिंग ऑफ सच जजमेंट, डिग्री, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस। यदि ऐसा डिसीजन, डिग्री, फाइनल ऑर्डर या सेंटेंस दिए जाने के राइट आफ्टर एग्रीव पर्सन द्वारा या उसकी साइड से ओरल एप्लीकेशन दिया जाता है, तो उसे भी सर्टिफिकेट फॉर अपील इशू किया जा सकता है, क्योंकि अपील करना पार्टी का लीगल राइट है। ठीक है, तो इसीलिए वो भी मांग कर सकता है सर्टिफिकेट फॉर अपील की सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। यही कहता है आर्टिकल 134A, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सर्टिफिकेट फॉर अपील के लिए मांगा जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 135, जो बात करता है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स के बारे में, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, द सुप्रीम कोर्ट शैल ऑल्सो हैव ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर टू विच द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 133 और आर्टिकल 134 डू नॉट अप्लाई इफ ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स इन द रिलेशन टू दैट मैटर वर एक्साइजेबल बाय द फेडरल कोर्ट इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ। क्या कहता है आर्टिकल 135? आर्टिकल 135 कहता है कि जो पावर्स फेडरल कोर्ट के पास थी बिफोर द कमेंसमेंट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले 26 जन 1950 से पहले की बात, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ द्वारा अदरवाइज प्रोविजन्स का किया जाए, अदरवाइज प्रोविजन ना किया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर में जिसमें आर्टिकल 133 या 134 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स होंगी यदि उस मैटर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, बिफोर द कमिसमेंट 26 जन 1950 से पहले एग्जिस्टिंग लॉ के अंडर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स फेडरल कोर्ट के पास थी। ठीक है, तो वो सारी पावर्स क्या होंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास थी, जो कि बिफोर कमिसमेंट किसके पास थी, फेडरल कोर्ट के पास थी। ठीक है, तो वो सारी जो पावर्स हैं वो किसके पास ट्रांसफर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के पास में। ओके, तो यही बात करता है आर्टिकल 135, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्साइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 136, जो बात करता है स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, SLP के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 136? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, द सुप्रीम कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग भारत के, इंडिया के टेरिटरी में किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई केस या उससे जो मैटर है उसमें दिए गए डिसीजन, डिग्री, सेंटेंस या ऑर्डर उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपील करने की विशेष स्पेशल आज्ञा दे सकता है। ठीक है, सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल constituted by or under any law relating to the armed forces। Clause 2 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी आर्म फोर्सेज के केसेस को ये स्पेशल लीव नहीं दे सकता है। ठीक है, SLP नहीं दे सकता, इसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल 136 जो बात करता है SLP के बारे में, स्पेशल लीव टू अपील के बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू के, वो अपने ही जजमेंट्स, ऑर्डर्स को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसके पास ये पावर है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 137 बात करता है रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर वो ऐसा पाता है कि कहीं भी वायलेशन हुआ है या गलत कुछ हुआ है, वायलेट हुआ है, तो क्या कर सकता है, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इनलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवॉइड, मीन टू से नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये उसके पास पावर है, जिसे हम लॉ में बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर्स, उसके पास ये पावर है
सुप्रीम कोर्ट के पास में। ओके, तो बात करते हैं आर्टिकल 137 की। आर्टिकल 137 क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड पार्लियामेंट और एनी रूल मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर्स टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ या आर्टिकल 145 के अंडर बनाए गए जो रूल्स हैं उसके प्रोविजंस के अंडर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी डिसीजन या दिए गए ऑर्डर का रिव्यू कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल 137 यही कहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने केशवानंद भारती के बारे में केस के बारे में सुना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं कि उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने ही जजमेंट को रिव्यू किया और कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड कर सक वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही जजमेंट एंड ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 138 जो बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ जरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जरिस्डिक्शन के एनलार्जमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जरिस्डिक्शन एंड पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन यूनियन लिस्ट एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ कन्फर। सुप्रीम कोर्ट को यूनियन लिस्ट के मैटर में किसी भी रिलेट में जरिस्डिक्शन एडिशनल पावर्स होंगी जो कि पार्लियामेंट लॉ द्वारा दी जाएंगी। And Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matter as the government of India and the government of any state may by special agreement confer if Parliament by law provides for exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court. Parliament law के द्वारा Supreme Court द्वारा ऐसी jurisdiction और powers के use का provision करती है जो कि Supreme Court किसी भी subject matter में additional powers के साथ में होंगी जो कि Indian government और state government के स्पेशल एग्रीमेंट के द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 139 जो बात करता है रिट जुरिसडिक्शन की। आर्टिकल 139 कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स। कुछ रिट निकालने की शक्तियां जो पावर्स वे है सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टन रिट्स, आर्टिकल 139 इसी के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट पावर्स टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग रिट्स इन नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस मैंडेमेंस प्रोहिबिशन क्वा वारंटो सर्श्योरारे और एनी ऑफ देम और फॉर एनी पर्पस अदर देन दोज मेंशन इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रेंच होते हैं फंडामेंटल राइट्स के तो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट जाया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 139 ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी और मैटर किसी और राइट का जो है वो उल्लंघन होता है इन्फ्रेंचमेंट होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास में डायरेक्ट जाया जा सकता है। तो आर्टिकल 139 ये स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो किसी भी और मैटर में किसी भी और राइट के उल्लंघन होने पर भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। ओके, तो हैबियस कॉर्पस मैंडेमेंस प्रोहिबिशन क्वा वारंटो एंड सर्श्योरारी के बारे में मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 139A जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस के बारे में। वेयर केसेज इन्वॉल्विंग द सेम और सब्सटेंशली द सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड वन और मोर हाई कोर्ट्स और बिफोर टू और मोर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑन इट ओन मोशन और एन एप्लीकेशन मेड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बाय अ पार्टी टू एनी केस द सच क्वेश्चन आर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस द सुप्रीम कोर्ट मे विदड्रॉ द केस और केसेज पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ ऑल द केसेज इट्सेल्फ। अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि सब्सटेंशली सेम टाइप जो केसेस हैं वो अलग अलग कोर्ट्स में डील उनको डील किया जा रहा है, ठीक है, लाइक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि सब्सटेंशली सेम टाइप के केसेस हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ताकि कोर्ट के समय बर्बाद नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ऐसे सारे केसेस को अपने हाथ में ले सकता है एंड डिस्पोज ऑफ ऑल द केसेस इट्सेल्फ और अपने आप से उन सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ठीक है, आगे प्रोवाइड किया गया है दैट सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर डिटरमाइनिंग सेट क्वेश्चंस ऑफ लॉ रिटर्न एनी केस सो विड्रॉन टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट ऑन
such questions to the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. Means, ऐसे मामले, ऐसे मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगाए थे हाई कोर्ट से, ठीक है, तो वो ऐसे डिसीजन देने के बाद में ऐसे मैटर्स के ऊपर वो उस डिसीजन सहित जो कॉपी है उसके सहित वो हाई कोर्ट को वापस लौटा सकेगा उन मैटर्स को, ठीक है, और हाई कोर्ट उसको लेने के बाद में ऐसे मैटर्स को डिसीजन के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसीडिंग करेगा, ठीक है. नेक्स्ट एक क्लॉज टू, द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट डीम्स इट expedient so to do for the ends of justice transfer any case appeal or other proceedings pending before any high court to any other high court. Means agar supreme court justice ke motive ki completion ke liye zaruri samajhta hai ki kisi high court ke samne jo ki kafi lambe samay se mamla hai rakha hua hai pada hua hai to appeal ya proceedings ko transfer kisi other high court ko bhi kar sakta hai, ठीक है. तो ये है हमारा आर्टिकल 139A जो कि बात करता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस के बारे में. ओके, आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट के जरिस्डिक्शन एंड पावर्स के बारे में समझ में आया होगा आर्टिकल सहित. नेक्स्ट आर्टिकल्स हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.